जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले भैया पोषण, ठीक है। अब देखते हैं पोषण, पोषण यानी भैया न्यूट्रिशन। तो पोषण की बात कर लें तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं भैया पोषण यानी भोजन। तो जो भोजन होते हैं इनके कितने अवयव होते हैं, भोजन कितने प्रकार के होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी में, तो ध्यान दीजिए आप भैया। पहला आता है भोजन के अवयव। क्या था भैया? भोजन के अवयव, भोजन के अवयव। तो जो भोजन के अवयव होते हैं तो भोजन के मुख्यतः दो अवयव, ठीक है भैया। भोजन के मुख्यतः क्या होते हैं? दो ही भाग में बांटा गया है भोजन को। तो जो पहला पार्ट है यानी पहला भाग उसका भैया, उसका नाम है कार्बनिक भोजन। क्या था भैया? कार्बनिक भोजन, कार्बनिक भोजन। जो दूसरा भैया उसे बोलते हैं अकार्बनिक भोजन। जो कौन भाग है भैया? अकार्बनिक भोजन। पहला कार्बनिक भोजन, दूसरा अकार्बनिक भोजन। जो पहला कार्बनिक भोजन भैया, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ध्यान दीजिए। पहला आता है भैया कार्बोहाइड्रेट। क्या था भैया? कार्बोहाइड्रेट क्या आएगा? पहला कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आता है आप इसके अंतर्गत वसा। और तीसरा आता है भैया प्रोटीन। और चौथा आता है इसके अंतर्गत प्रोटीन विटामिन। क्या है भैया? विटामिन। और पांचवा आता है मोटा चारा। क्या आता है? मोटा चारा। अब मोटा चारा क्या बताते हैं, ठीक है भाई? जब परेशान मत होइए, सही बताएंगे। और यहाँ जिसका पहला भैया आता है कार्बनिक में जल आ जाता है, जल। और दूसरे में आ जाएगा भैया अकार्बनिक पदार्थ, क्या सॉरी खनिज लवण आ जाएगा। क्या भैया? खनिज लवण। जो खनिज लवण होते हैं ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक भोजन में आता है भैया ये पांच चीज़ें, और अकार्बनिक आता है जल और खनिज लवण। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का। जो कार्बोहाइड्रेट है ये भैया एक्चुअली क्या होता है? कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन समझ लो, कीटोन होता है या क्या है? कीटोन है। या भैया इसमें क्या होता है? इसमें यह CHO कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है भैया? बना होता है। इसका मतलब भैया कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। अब बात कर लें जो इसका अनुपात है CHO का अनुपात कितना भैया? कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है 1:2:1 होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है तो 1:2:1 होता है। अब बात कर लें भैया इससे एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको कितने लगता है कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण भैया? ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से आप कितनी ऊर्जा मिलती है भैया? ऑक्सीकरण से 17 किलो जूल या फिर भैया अथवा 4.1 किलो कैलोरी। यानी भैया हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा निकलती है, ठीक भैया। अभी देखिए इतना हो गया। अब बात करें जो अगला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो हम भोजन करते हैं यानी हमारे भोजन के कुल ऊर्जा में से 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आती है। किसे दिए? कार्बोहाइड्रेट से आती है, ठीक भैया। यानी हमारे भोजन के कुल ऊर्जा में से 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आती है। इससे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। तो तीन भागों में कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में हम बांट सकते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है
कार्बोहाइड्रेट के तीन मुख्यतः भागों में बांट सकते हैं। जो पहला भाग है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो मोनोसैकेराइड्स होता है भैया, ये देखिए जो मोनोसैकेराइड्स है उसको पहले भाग में बांटा गया, जिसको दूसरा भाग होता है उससे हम लोग बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। क्या बोलते हैं भैया, डाइसैकेराइड्स। अब तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी इसे तीन भागों में बढ़ा सकता है भैया, तीन भागों में बढ़ सकते हैं हम, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो जो मोनोसैकेराइड्स में, इसके जो मोनोसैकेराइड्स में आता है भैया ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड में पहला आता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज आपको कहाँ से मिलेगा भैया, देखिए बच्चा ग्लूकोज होता है आपको मिल जाएगा एक से, ठीक, काजू से और अंगूर से, यानी काजू एक अंगूर से आपको ग्लूकोज मिल जाएगा एकदम साधारण फॉर्म में। ठीक है, और जो दूसरा इसका भाग है मोनोसैकेराइड्स का, उससे हम लोग बोलते भैया गैलेक्टोज। क्या बोलते भैया, गैलेक्टोज। क्या बोलते बच्चा, गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज में आपको मिल जाएगा भैया, किसे मिले गैलेक्टोज, पहला नंबर पे दूध मिल जाएगा और आपको मक्खन में मिल जाएगा भैया, किसे मिल जाएगा, मक्खन, दूध में भी मिल जाएगा और मक्खन में भी मिल जाएगा। और जो तीसरा मोनोसैकेराइड्स है ये आपको मिल जाते, क्या नाम है तीसरा वाले का, फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज होता है ये आपको कहाँ मिलेगा भैया, पहला नंबर भैया फल मिल जाएगा, दूसरी बात कहाँ मिलेगा, शहद में, कहाँ मिलेगा भैया, शहद, शहद मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लें यहाँ पे हम डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स के जो पहला, देखिए डाइसैकेराइड्स है, इसमें पहला आता है यहाँ पे मल्टोज। क्या भैया, मल्टोज। तो मल्टोज आपको कहाँ मिल जाएगा, तो मल्टोज आपको मिल जाएगा जौ खाइए, जौ सतुआ, जौ चुकंदर। ठीक भैया, क्या खाएंगे आप, जौ, जौ ना जो सतुआ बनता है, ठीक है, जौ मिल जाएगा। और नंबर दो पे आ जाता है यहाँ पे मल्टोज हो गया। अब देखिए एक होता है यहाँ पे भैया लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज आपको मिल जाता है दूध से, सॉरी दही से, लैक्टोज मिलेगा भैया दही से, और आपको पनीर से मिल जाएगा, पनीर से भी क्या मिल जाएगा, लैक्टोज। और तीसरा इसका जो डाइसैकेराइड्स है ये भी क्या आता है यहाँ पे, सुक्रोज। क्या था भैया, सुक्रोज। जो सुक्रोज है आपको सुक्रोज कहाँ से मिलेगा, तो सुक्रोज आपको मिल जाएगा यहाँ पे गन्ना से मिल जाएगा भैया, और आपको चुकंदर से मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो मल्टोज होता है हमको जौ से मिल जाएगा और चुकंदर से मिल जाएगा, लैक्टोज दही और पनीर से मिल जाएगा, और सुक्रोज की बात कर ले तो गन्ना और चुकंदर से मिल ही जाएगा। यहाँ ग्लूकोज जो होता है भैया सबसे सरल और साधारण फॉर्म होता है, हमें अत्यधिक मात्रा में इससे ऊर्जा मिलती है भैया, तो एक काजू और अंगूर से मिल जाएगा। ग्लैक्टोज भैया दूध में और मक्खन मिल जाता है। फ्रक्टोज की बात कर ले तो फल और मिल जाएगा भैया शहद में। तो जो पॉलीसेकेराइड्स है इसमें देखते भैया क्या क्या चीज़ आती है, तो पॉलीसेकेराइड नंबर एक आता है भैया सेलोज, सेलुलोज। तो सेलोज आपको कहाँ मिलेगा, ये सिमिलर नहीं, ये कपड़े भैया मिल जाएगा, कपड़ा में मिल जाएगा, कपड़ा, कपास, अब यह कागज। ठीक है भैया, कागज। और दूसरे बात है भैया जो दूसरा है इसे बोलते हैं स्टार्च, ऐसे हमें बोलते हैं मंड होता है ना मंड। तो मंड आपको यहाँ किसे मिल जाएगा, ये आलू मिल जाएगा, फिर मिले भैया आलू, अब ये किसे मिल जाएगा, मटर, और मिल जाएगा भैया चावल। ठीक है, आपको मंड यहाँ स्टार्च यहाँ से मिल जाएगा, यानी मंड आपको कहाँ से मिल जाएगा, आलू मटर और चावल से मिल जाएगा। और तीसरा टॉपिक की बात कर लें इसकी जो होता है पॉलीसेकेराइड जो तीसरा नंबर पर आता है भैया काइटिन है। जो काइटिन होता है, काइटिन ये जंतुओं के ऊपर कवच होता है, क्या होता है जंतुओं का,
जंतु का कवच, कहते भाई जंतु का कवच, जो तितली हो गया काइटिन के बने होते हैं, सब बहुत सारे जंतु हैं क्या होता भैया, इनकी ऊपरी जो परत होती है काइटिन की बनी होती है। अब ध्यान दीजिए चौथे नंबर पर आता भाई पॉलीसेकेराइड्स है, इसमें आता है ग्लाइकोजन, क्या होता भैया ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन आपको मेनली मिल जाता भैया, मेनली रूप से आपको मिल जाएगा यकृत में, ठीक है भैया यकृत में। तो ध्यान दीजिए ये कार्बोहाइड्रेट्स के भाग हो गए, ये भैया कंपटीशन लेवल में बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि भैया कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है वो अनुपात कितना होता है। तो भैया क्या होता है एक अनुपात है, दो अनुपात है, एक होता है कि भैया एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और हमारे कुल भोजन में से हमारे कुल भोजन में से मिली हुई ऊर्जा यानी भोजन की कुल ऊर्जा में से यानी भोजन के कुल ऊर्जा में से हमें 60-80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आती है। कार्बोहाइड्रेट को हम मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं भैया, पहला मोनोसैकेराइड्स, दूसरा पॉलीसैकेराइड्स और तीसरा मोनोसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड में सबसे साधारण फॉर्म आपको मिल जाएगा ग्लूकोज, जो आपको आसानी से ईक में और काजू में अंगूर में आसानी से मिल जाएगा, और इससे सबसे अधिक मात्रा में ग्लूकोज हमें हर जगह से मिल ही जाता है और ऊर्जा भी इससे मिलती है, सबसे सरल फॉर्म में भैया ग्लूकोज हमको मिल जाता है। अब बात कर लें भैया ग्लैक्टोज, तो ग्लैक्टोज आपको दूध में और मक्खन मिल जाएगा। अब फ्रक्टोज कहाँ मिलेगा आपको, तो भैया जो यहाँ थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, फास्ट से फ्रक्टोज और फास्ट से फल भी हो सकता है, यहाँ से आसानी से याद हो सकता है, जितने फल होते हैं लगभग सही फल में हमको मिल जाए फ्रक्टोज मिल जाता है, और शहद में भी मिल जाता है, यानी शहद में भी क्या मिलता है भैया फ्रक्टोज। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जो डाइसैकेराइड्स है इसमें पहला था माल्टोज, माल्टोज कहाँ मिलेगा भैया आपको जौ, और इससे मिल जाएगा भैया चुकंदर मिल जाएगा, और लैक्टोज जो होता है आपको पूरी तरह से दही में और पनीर में अच्छी तरह से मिल जाएगा। और सुक्रोज की बात कर ले भैया इसके जो फॉर एग्जांपल है तो गन्ना और चुकंदर में ये भी मिल जाएगा। तो बात करते हैं जो पॉलीसैकेराइड्स भी जो जल्दी से साइंस पछता नहीं है, बहुत अधिक मात्रा में कई सारे अणु मिलकर भैया पॉलीसैकेराइड्स बनता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो पॉलीसैकेराइड्स अगला टॉपिक यहाँ पे है, तो यहाँ सेलुलोज है, सेलुलोज हमारे अंदर पछता नहीं है, ये जंतुओं में गाय भैंस बकरी में पछता है, यानी कि सेलुलोज हमारे अंदर नहीं पछता है, ठीक है। जो सेलुलोज होता है इसका भैया कपास, कपास जो होता है रुई काटन और क्या होता है कपड़े मिल जाता है, जो नोट्स हमारी होती है कागज़ बुक्स होती है सब सेलुलोज की बनी होती है। और स्टार्च की बात कर ले तो स्टार्च यानी मंड भैया, तो आपको ये कहाँ मिल जाएगा देखिए, तो मंड जो होता है आलू मटर और चावल में आसानी से आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं काइटिन, काइटिन भी है जंतुओं की ऊपरी परत जो होती है जो कवच होता है उससे मिल जाता है। और यहाँ पे ग्लाइकोजन की बात कर ले हम, जो ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड्स है तो आपको कहाँ मिलेगा भैया ये यकृत से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अत्यधिक मात्रा में कंपटीशन लेवल में जो कंपटीशन लेवल क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक से बहुत उड़ता है, ठीक भैया इतने लीजिए, ये आगे बताते हैं वसा के बारे में, ठीक भैया फटाफट।